तो बीजेपी के द्वारा लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज की जा रही है और बात यहां पर अरविंद सिंह भदौरिया की करेंगे। जमीनी स्तर पर हमने देखा कि लोगों से मुलाकात यहां पर की गई, मतदाताओं के बीच पहुंचे और जो सरकार का कार्यकाल था, जो विकास की योजनाएं थी वो जनता के बीच रखी और तमाम ऐसे मुद्दे जरूर इस चुनाव में हमें देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जीत दर्ज बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और आइए सुनेंगे अरविंद सिंह भदौरिया को क्या कुछ उन्होंने कहा। प्रदेश में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यथावत रहेगी, वरन एक मैसेज देने में भी कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भले ये कहती रही कि 28 सीटें हम जीत कर आएंगे और कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि ये चुनाव जनता लड़ रही, तो क्या अरविंद भदौरिया जी मेरे साथ इस वक्त सहकारिता मंत्री, क्या ये चुनाव जनता ही लड़ रही थी? वास्तव में ये चुनाव जनता ही लड़ रही थी। जो कांग्रेस कह रही थी 28 में 28 सीटें जीत के आएंगे, ये चुनाव जनता ने ही लड़ा। जनता को ध्यान आ गया कि 15 महीने का कुशासन क्या होता है, 15 महीने में भ्रष्टाचारी बढ़ी, 15 महीने में जो है ना ट्रांसफर उद्योग बढ़े, 15 महीने में हर प्रकार का माफिया डेवलप हुआ, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो खदान माफिया हो, किसी प्रकार का। इसे जनता को एहसास हो गया आप झूठे धोखा देके जीत के आए थे। वोटों में हम 50,000 ज़्यादा थे टोटल मिला के 2018 में, लेकिन जनता को ध्यान आ गया। माननीय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सुहास भगत जी, पूरी टीम मिलके जनता जनार्दन की कृपा से, और सबसे महत्वपूर्ण जो रोल रहा मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। जिस ताकत से आपने मेहनत की, तो ये आपकी जीत है, आपके प्रयास की जीत है। तो ऑलरेडी वो गलतफहमी में थे कमलनाथ जी, लेकिन ये रणनीति क्या रही, मतलब इस तरह से जीतना, बहुत भारी बहुमतों के साथ आप जीत रहे हैं और जहां से जीत का अंतर है वो भी खासा है, जैसे बदनावर का जिक्र कर लें हम, या कहीं और 2-3-4 सीटें प्रभुराम चौधरी की बात कर लें, ऐसा कह रहे थे कि कुछ आपके ही लोग जिनको बाद में आपको लेटर भी जारी करना पड़ा था, तो क्या एक तरह से ये मैसेज भी है सभी के लिए कि बीजेपी के साथ ही रहिए? मुझे लगता है देखो ये जनता चुनाव लड़ रही थी। अब जैसे सुहासरा जीते हम, वो पहले चुनाव मुश्किल से 400-500 वोट से जीते थे, कौन, हरदीप सिंह डंग जब कांग्रेस से लड़े थे, अभी वो 29,944 वोट से, लगभग 30,000 मतों से जीते। प्रभुराम चौधरी अभी भी मुझे लगता 25,000 से ऊपर मतों से जीते हैं, बंपर मतों से लोग जीत के आ रहे हैं दत्ती गांव से लेके। तो ये कांग्रेस का उन्होंने आईना दिखा दिया कि आपका ये चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर, प्लस हमारे नेताओं की पॉपुलैरिटी, प्लस हमारी जनहितैषी नीतियाँ शिवराज जी के, उसके कारण हम लोग जनता रूपी ईश्वर के कृपा से चुनाव जीते हैं। पॉपुलैरिटी की आप बात कर रहे हैं, दो नेता पॉपुलर है शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से जो आपके साथ आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो क्या ये माना जाए कि ये पॉपुलैरिटी भी काम की होगी? शिवराज जी तो लगातार जनता के बीच में रहते, एक ऐसा लीडर जो जनता के साथ काम करता, रात दिन एक करता, और हमें लगता है कि जनता इस नब्ज को पकड़ लेगी, यही हमारा मसीहा है। एक्चुअली आप पूरा टोटल मिला के देखेंगे तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब ने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का, जिसको कहते हैं ना, दिशा और दशा तय कर दी। आज एसी के कमरों में बैठ के कमलनाथ जी राजनीति नहीं हो सकती है, ये सड़क गांव गलियों में घूम के ही राजनीति हो सकती है। तो हमारे दोनों चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अपमान असम्मान हुआ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, मैं सिंधिया जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार भी देता हूँ कि इतनी एक आवाज़ में उनके साथ लोग 22 लोग खड़े हो गए। तो इसलिए वास्तव में विचार करेंगे तो हमारे दोनों नेताओं से लेके हमारे वीडी शर्मा प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं, उन सब का कोऑर्डिनेशन, संगठन महामंत्री हमारे सुहास जी, और हम सब की टीम एकजुट के एक दिशा में प्रयास करते करते यहाँ तक जीत के आए। तो इसलिए कांग्रेस के लोग झूठी बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने नारा दिया तो कोई मुद्दा कोई नहीं था कि धोखा किया इन्होंने, धोखा आपने किया कमलनाथ जी, धोखा आपने युवा बेरोजगारों के साथ किया। 4,000 रुपये डालने वाले थे, 15-64, 60,000 रुपये में एक चबंदी नहीं डाली, तो ध्यान आता ना, कथनी करने के अंतर में आज अगर करेंगे आप तो राजनीति आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई पार्टी हो। तो ये माना जाए एक तरह से आपके, आप लोग के लिए भी एक मैसेज होगा कि एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि जितने मतों से आप लोग जीत कर आए हैं तो अब जनता आप पर बहुत विश्वास कर रही, शिवराज जी पर बहुत विश्वास कर रही, तो जब बहुत विश्वास होता तो हमें लगता है जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। नेचुरली है, ये भजन है, ये भजन है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साहब जनहितैषी मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की जनता को, धड़कन को, स्पंदन को समझते हैं, संगठन के द्वारा गढ़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए जिम्मेदारी हम सब पे बहुत है और विनम्रता के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, विनम्रता के साथ
उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे, गरीब जनता की आत्मा की आवाज को राहत देने की प्रयास करेंगे हम लोग। एक नया चुनाव सामने दिखाई दे रहा नगर निगम नगरीय निकाय का, तो क्या इससे रास्ता बहुत आसान हो जाएगा? मुझे लगता है हम नगर निगम, पहले भी 16 नगर निगम थे मध्य प्रदेश में, 16 के 16 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक भी कांग्रेस को नहीं मिला था। नगरपालिका 80% हम जीते थे, जनपद हम 80 से 78% जीते थे, 82% तक जीते थे। और मैं कह रहा हूँ यहीं का ट्रेंड नहीं है, देश में भारतीय जनता पार्टी के बयार है, लहर है। बिहार के बारे में आप बोला करते थे, कई आपका मतलब मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की चर्चा चलती थी, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी विचारधारा, ये लोगों में राष्ट्रवाद की विचारधारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, ये लोगों में ग्राह्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, मध्य प्रदेश में हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। अरविंद भदौरिया जी हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, एक तो कडरवश पार्टी है लेकिन कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है, पर जनता की नब्ज को पकड़ना, जनता की नब्ज को जानना और जनता के साथ आगे बढ़ना शायद ये बीजेपी समझती है, और इसीलिए वोटों का अंतर खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीत होती है लेकिन इस तरह जीत होगी ये तो एग्जिट पोल भी नहीं कह रहे थे, पर साफ है कि जहां काम करने की क्षमता हो, लालसा हो, कार्यकर्ताओं की एक पूरी टोली हो, तो हमें लगता है विचार से विचार भी मिल जाते, क्योंकि कांग्रेस से जो लोग आए थे कह रहे थे कि इनके और उनके विचार एक नहीं है, कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, पर इस चुनाव में जाहिर हो गया है कि बीजेपी जब चुनाव में लड़ती है तो सब एक हो जाते हैं। विपिन के साथ मनोज सनियाई, 24 भोपाल।